लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग हमने किया हुआ है. जब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है तो हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ये की है. पहला लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ, यानी कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो फ्रिक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. नेक्स्ट है लॉ ऑफ टेंशन, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं. लॉ ऑफ मास, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. लॉ ऑफ मास एक्सटेंडेड, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, म्यू का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ. तो एक काम करेंगे, मास को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में वॉल्यूम क्या है सिलेंड्रिकल वायर का, या वॉल्यूम बाय लेंथ क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इसकी जगह लिखेंगे, ये मैंने करवाया था, मास पर यूनिट लेंथ इज एरिया इनटू डेंसिटी. एरिया को डायमीटर की फॉर्म में लिख लें इनटू डेंसिटी, और इस म्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास ऐसे रिलेशन आएंगे. तो मतलब ये लॉज हैं, पर ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो ये लॉज की ज़्यादा जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि लॉज करते कैसे हैं.